going to have an interesting panel discussion with one of the best social media activists and vloggers, and along all the other personalities that we have on social media platforms. We are going to have a panel discussion with most prestigious guests, and we are welcoming them. एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमें मॉडरेटर को इनवाइट करेंगे और उसके बाद हमारा जो सेशन है वो आगे बढ़ेगा. मॉडरेटर के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट मुदस्सिर हुसैन. मिस्टर मुदस्सिर हुसैन आ जाए स्टेज पे. बहुत ज़्यादा तालियां बज रही हैं, सो एवरीवन नोज हिम आई एम वेरी श्योर. मुदस्सिर हुसैन हेड ऑफ कॉमर्स हैं बेनजी भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में और सोशल मीडिया पे काम करते हैं और मार्केटिंग ऑफिसर है एम्स में. वी वेलकम यू ऑन स्टेज सर. और अब स्टेज इनके हवाले है. ही इज़ गोइंग टू इनवाइट आवर वैल्यूएबल गेस्ट एंड द पैनल डिस्कशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो ओवर टू यू सर. अस्सलाम वालेकुम जी. लियारी थोड़ा सा जाग रहे हैं या सो रहे हैं? आवाज नहीं आ रही अभी भी, पता नहीं चल रहा. लियारी का जो अलग और कलर है, जो ओरिजिनल टेस्ट है, अगर हम उस टेस्ट के साथ, उस कलर के साथ अपने चारों गेस्ट को इनवाइट करें तो आई थिंक ज्यादा बेहतर रहेगा. सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ नन दी अदर वेरी फेमस सोशल मीडिया स्टार, अ पर्सन जिसने सारी शोहरत, सब कुछ अपना नाम क्रिएट किया थ्रू फेसबुक, थ्रू ट्विटर, थ्रू सोशल मीडिया, तमाम सोशल टॉपिक्स को टच किया. अभिनंदन से लेके एक आम सा टॉपिक हो और एक अपना उनका मखसूस स्टाइल. हाँ भाई, तो जो हाँ भाई है वो कोई और नहीं, नंदी अदर जुनेद अकरम साहब. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आ जाए. यूट्यूब को पाकिस्तान में एक न्यू शेप देने वाला एक शाइनिंग स्टार, एक ऐसा पर्सन जिसने पाकिस्तान के अंदर वी लॉगिंग को एक न्यू स्टैंडर्ड पे पहुंचा दिया. एक ऐसा स्टैंडर्ड जिससे हम इंटरनेशनल वीलॉगर से अपने वीलॉगर को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा वीलॉगर भी किसी से कम नहीं है. तो एक सिंगर, राइटर, वीलॉगर, वर्सेटाइल पर्सन, मिस्टर मोरो. को फाउंडर रहे, नाम इस्तेमाल किया बेकार फिल्म्स का, लेकिन यह नहीं पता था कि सबसे कारामद आदमी है और काम की बातें कर रहे थे. तो स्क्रिप्ट यूज किया, डिफरेंट टाइप के स्क्रिप्ट्स बनाए आपके लिए, सिटकॉम पे काम किया, सटायर पे काम किया, हिलेरियस कॉमेडी की मुख्तलिफ चीजों को करते हुए यहां तक पहुंचे और को फाउंडर बने बेकार फिल्म्स के. मैं इनवाइट करना चाहता हूं मुबीनुल हक साहब को. नन दी अदर आवर वेरी ओन वेरी टची को फाउंडर हमारा लियारी.com के. मैं साहब को इनवाइट करना चाहता हूं कि आइए स्टेज के ऊपर शाजीब और हमारे साथ डिस्कशन कीजिए. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, सोशल मीडिया की डिस्कशन, जैसे आप सबके इल्म है कि सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 साल से चल रहा है. सोशल मीडिया हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होते हैं, हम हमेशा ऑडियंस डिपेंडेंट होते हैं, हमारी खुद से कोई राय नहीं होती, कोई बात नहीं होती. हम थॉट्स जरूर लेके आते हैं लेकिन उन थॉट्स के जरिए हम कुछ ना कुछ अपने ऑडियंस को देते हैं. तो डेफिनेटली ये सेशन पिछले वाले तमाम सेशन से बहुत डिफरेंट होगा, टू वे होगा. मैं नीचे भी आऊँगा, आपको भी ऑन बोर्ड लूंगा. मैं अकेला मॉडरेटर नहीं हूँ, आप सारे मॉडरेटर हैं और ये हमारे पास चार स्पीकर्स मौजूद हैं जिनकी डिस्कशन, जिनकी नॉलेज और जिनका कंपैरिजन और क्रिटिक रिगार्डिंग पाकिस्तान की सोशल मीडिया इंडस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जिस सवाल से मैं स्टार्ट लेना चाहता हूँ वो ये है कि एक वर्ड होता है तजलील और एक वर्ड होता है तनकीद. इसका एक सफर होता है. हमारे पास जो कीबोर्ड वॉरियर्स आए वो किसी भी एजेंडा, किसी भी पॉइंट पे जब बात करना शुरू किए, ट्विटर पे आए, फेसबुक पे आए, यूट्यूब पे आए या मीम्स बनाए, किसी भी इशू के अंदर वो भूल गए कि तनकीद और तजलील में क्या फ़र्क है. और इस फर्क की वजह से पाकिस्तान की सोशल मीडिया, पर्टिकुलरली ट्विटर, एक हमें पोल्यूशन में नज़र आता है. कभी हम ट्रॉल का इसको नाम देते हैं,
कभी हरेसमेंट का नाम देते हैं, कभी बुलिंग का नाम देते हैं। क्या वजूहात हैं कि हम जो हमारे रियल अकदार हैं वो इस सोशल मीडिया के अंदर नहीं कर पाए? इस सवाल से मैं सबसे पहले जुनेद साहब को आगाज करना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तजलील और इस तनकीद के सफ़र में फ़र्क क्या है, कहाँ पर हम तजलील में जा रहे होते हैं और कहाँ पर हम तनकीद में जा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाँ भाई क्या हाल है? First of all, thank you so much. I would like to congratulate the organizers of Lyari Literature Fest. और आप लोगों ने मुझे यहाँ दावत दी, thank you so much for that. It's a very wonderful event. मैं भी पूरा चक्कर लगाया, काफ़ी अच्छे स्टॉल्स, अच्छे एनर्जेटिक चार्ज बच्चे, मुझे बड़ी खुशी हुई। रही बात आपके सवाल की, तनकीद होनी चाहिए, अच्छी बात है, मगर तमीज़ के दायरे में। मसला ये है, हमारा स्कूल सिस्टम हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं सिखाता जो आपकी लाइफ स्किल्स हैं। आपको लाइफ स्किल्स, हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल घर से ही कोई तमीज़ नहीं सिखाई जाती, ठीक है। लड़कों को मयार अलग है, तमीज़ का लड़कियों का अलग है, ठीक है। लड़कियों के भाई टांगे यूँ समेट के बैठो, लड़के को जाके साइलेंसर निकाल के लेट, कोई है ही नहीं, दो मयार हैं, ठीक है ना। तो बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है, अव्वल तो हमारे यहाँ बच्चे होते क्यों हैं? दुनिया में लोग बच्चे पैदा करते हैं प्लानिंग के साथ, क्या ये हम बच्चा ला रहे हैं इस दुनिया में, क्या इस दुनिया का माहौल ऐसा है, हमारे शहर का माहौल ऐसा है, या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, हम इसको अच्छी तालीम दे सकते हैं, अच्छा करियर दे सकते हैं, या बड़ा होकर मिलियन डॉलर कंपनी बनाएगा कि नहीं, ये प्लानिंग होती है बच्चों की। हमारे यहाँ अमूमन सब नहीं, बच्चे पैदा करने की वजह क्या, सास का मुँह बंद हो जाए, खाला का मुँह बंद हो जाए, ठीक है। अगर आप दो भाभियाँ हैं और एक भाभी का बच्चा नहीं है, आपका हो गया तो आपका स्टैंडर्ड ऊपर हो गया, मतलब ये तो सोच है, बिल्कुल सही थॉट है, सोच ही यही है। जब आपकी सोच इतनी छोटी है तो फिर वो बच्चा क्या निकलेगा आगे से? अच्छा, बच्चा पैदा हो गया, वो होता ही है कि हाँ टिकटॉक वाला है। होता ही है बाहर मुल्कों में बच्चे होते हैं छोटे, तो उनको उनके हिसाब से टॉयज़ ला के दिए जाते हैं। बच्ची है तो बारबी डॉल ला दी, बच्चा है तो जी ट्रांसफॉर्मर ला दी, इस तरह का खिलौने ला के देते हैं। हमारे यहाँ एक और बच्चा कर लेते हैं, इससे खेलो, ठीक है ना। वलीमों में ऐसे स्टेज पे बैठे हुए खाला यहाँ के, नानी कब बना रहे हो, अबे अभी बना दूँ क्या, टाइम लगता है भाई। ये वही कौम है, वो 100 रुपए का कार्ड लिया जोंग का, 40 रुपए कट गए, 60 रुपए आए, मेरा हाईवे का है, अबे रातों रात नहीं होता, टाइम लगता है। तो खालाओं को भी समझाएं, टाइम लगता है, ठीक है ना। अच्छा, बच्चे हो गए, बच्चे को हम 2 साल बोलना सिखाते हैं, मामा बाबा पानी मम करके बोलना सिखाते हैं। जब बच्चा बोलना सीख जाता है तो उसको सारी से नहीं कहते चुप करो, बड़ों के आगे नहीं बोलते, वो क्या सीखेगा। तो हमें घरों से ही नहीं सिखाया जाता कि आपने डिसएग्री किस तरह करना है, तमीज़ के दायरे में रह के। हम अगर अपने वालदेन से सवाल करें तो सवाल नहीं होता, बदतमीज़ी कहलाई जाती है कि बड़ों के आगे ज़बान चलाते हो। तो आपने तो उसको घर से ही नहीं सिखाई कि सवाल कैसे करना है। अच्छा, फिर आप सोच महदूद कर देते हो बच्चों की। अगर बच्चा देखिए, बच्चा जो है सबसे क्यूरियस होता है। एवरेज जो 4 साल का बच्चा होता है दिन में 340 सवाल करता है, पापा ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, क्योंकि बच्चा एक क्यूरियस माइंड होता है। अब बच्चा अगर बाप से पूछे कि जी ये चांद जो है ये रात में तो आता है, ये सुबह कहाँ जाता है, तो वालदेन कहते हैं अल्लाह मियाँ करते हैं, बस ताले, उसकी सोच पे ही ताला लगा दिया, अल्लाह मियाँ करते हैं, वो हर चीज़ में अल्लाह मियाँ ढूंढता है। आप उसकी सोच ही नहीं डेवलप करते। फिर यही चीज़ स्कूल में आ जाए, आप स्कूल में आपको लाइफ स्किल्स कोई नहीं सिखाई जाती, पंक्चर कैसे लगाना है, ठीक है, गाड़ी खरीदते हुए कौन से कागजात देने हैं, वोटर राइट्स क्या होते हैं, आपके ह्यूमन राइट्स क्या हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या आपको अगर मकान खरीदना है कौन से पेपर्स देखने चाहिए, ये चीज़ें नहीं सिखाते। सिखाते हैं वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम ही नहीं आनी। तो डिसएग्री करना वो भी नहीं सिखाया जाता। टीचर अगर बोले 2+2=4, आप बोले 1+3 भी तो होता है, तो आपको क्लास से बाहर निकाल देते हैं। तो कोई डिसएग्री होना ही नहीं चाहता। तो बच्चा जब देखता है कि यार डिसएग्री करने पे डांट पड़ती है, तो जब वो बड़ा होता है, जब उसके पास पावर होती है, तो फिर वो भी यही करता है। जब आपसे वो डिसएग्री करता है, आपको तमीज़ के दायरे में भी बोल सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ सर इधर आइए, अरे अबे इधर आबे, मतलब दोनों का एक ही है लेकिन कहने में फ़र्क है, ठीक है। तो अगर तनकीद बिल्कुल होनी चाहिए और अच्छी बात है, और हम उन तनकीदों का ही, हम गलतियों से ही सीखते हैं,
और ये आपकी एवोल्यूशन होती है और ये पूरी जिंदगी चलती है। मगर अगर आपने बोल दिया भाई गंजे काफिर ये वीडियो क्यों बनाई ऐसे नहीं ऐसे, तो मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा। तो और दूसरी चीज ये, जब आप दो गाड़ियों में होते हैं ट्रैफिक में, अगर आपकी किसी साइड वाले से साइड मारी तो आप दबा के गालियां देते हैं क्योंकि आपके बीच में शीशा होता है। मगर ये अगर लिफ्ट में आपके पैर पे आ जाए आप वहाँ नहीं करते, हिम्मत नहीं होती क्योंकि आपको भी एक लग सकती है। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी सिचुएशंस हैं जो हमें फेसबुक पे दबा के गालियां देते हैं, मगर अगर सामने मिल जाए तो सेल्फी की लाइन में भी खड़े होते हैं। तो मकसद हमेशा ये भी नहीं होता, बहुत से लोग गालियां देते हैं अगर रिस्पॉन्ड करें तो वो कहते हैं अरे सर मैं तो खाली आपका जवाब सुनना चाह रहा था। उन्होंने ये भी सीख लिया है कि शायद हमें जवाब ऐसे ही मिलेगा जब तक हम बदतमीज़ी नहीं करेंगे, शायद उनके दिल में भी नहीं होता बदतमीज़ी करना। ऐसे भी केसेस हुए हैं, या ऐसी भी कोशिश होती है कि हम इतनी गालियां दें कि जब पलट के मुरू साहब या मुबीन साहब गाली देंगे तो वो स्क्रीनशॉट लेके जगह जगह लगाएंगे कि ये देखो ये तो इल्म की बातें करते हैं, ये इनबॉक्स में तो ऐसे गालियां देते हैं। ये भी एक मकसद होता है। फिर ट्विटर पर ख़ास तौर पर, ट्विटर पर देखें मशहूर होने के दो तरीके, या तो आप फ़नी हो या फैक्ट्स पे बात करते हो, आपके आपकी थॉट्स बड़ी स्ट्रांग हो, या फिर आप किसी मशहूर आदमी को इतना तंग करो, इतना तंग करो कि वो आपको कोट ट्वीट करे और उसकी राइड आपको मिले, वो ही राइड्स योर वेव। अब उसकी लिस्ट में जो 1500 हेटर है वो आपके पास आ जाएं, ये भी एक तरीका है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है। तो चूंकि हमें घर से ही नहीं सिखाया गया कि डिसएग्री कैसे करना है तमीज़ के दायरे में, तो वो चीज़ आपको फिर माशरे में नज़र आती है। तो कसूरवार मैं सबसे पहले घर को और फिर तालीमी निज़ाम को देता हूँ इस सारे सिलसिले में। सॉरी मैंने बहुत टाइम लिया है। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। आई थिंक जहाँ से हमने आगाज़ किया था उस सवाल का जवाब हमें मुकम्मल तौर पर मिला है। अगर एक कोई ये कहे कि थोड़ा सा तशनगी रह गई, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो मुकम्मल तौर पे हमने एक सिनेरियो बनाया था कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर हो या फेसबुक हो, उसके अंदर जब लोग तनकीद करना शुरू करते हैं तो तनकीद से निकल के लोगों की तकजीब शुरू कर देते हैं, लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा नीचे चले जाते हैं कि ब्लो द बेल्ट वो सारे आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं जो लॉजिकल नहीं होते। तो मेरे ख्याल से दोबारा तालियाँ होनी चाहिए जुनेद साहब के लिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसका रिप्लाई था। चलना चाहूँगा एक ऐसे पर्सन की तरफ जिसने कंटेंट को एक न्यू स्टैंडर्ड सेट किया यूट्यूब के लिए, और पर्टिकुलरली वो लोग जो यूट्यूब की तरफ आ रहे हैं मोनेटाइजेशन करना चाह रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएशन कितनी डिफ़िकल्ट जॉब है, किस तरह से थॉट्स आते हैं, कितना इसके ऊपर ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है, क्या होमवर्क होते हैं, किन स्टेप से गुजरते हैं, और कोई बेस्ट और वर्स्ट एक्सपीरियंस पाकिस्तान के नंबर वन वीलॉगर मोरो से हम सुनेंगे। सबसे पहले तो सारों को सलाम अलैकुम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, अगर इतार निकल आए तो वहाँ। कंटेंट क्रिएशन के अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं मेरे ख्याल से। एक तो अपने ख्यालात को डेवलप करना होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कई दफ़ा मैं देखता हूँ कॉन्टेंट कोई बना रहा है लेकिन कहने को कुछ नहीं है, तो जो चीज़ भी आएगी वो फिल्म हो जाएगी, वो कॉन्टेंट माना जाएगा। कुछ कहने की एक तलब होनी चाहिए कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, वो मेन चीज़ आती है। पर उसके अलावा मैं एक टेक्निकल फिल्म मेकर आदमी हूँ, तो मैं फिल्म्स बनाता हूँ, तो वीडियोस बनाने के लिए उसकी टेक्निकल एग्जीक्यूशन सीखने की होती है। वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस तरह की इंस्टीट्यूशन हैं नहीं जो बड़े पैमाने पर उसको प्रोवाइड करें। मगर यूट्यूब आपका खुला मैदान है। आप थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा, स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से सवाल पूछूं, जस्ट फॉर स्टूडेंट परस्पेक्टिव। पाकिस्तान में काफ़ी इंस्टीट्यूशन जो कि आपकी इस फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत बुलंद बांग दावे करते हैं, और एज ए स्टूडेंट इनके सामने एक मार्केटिंग पिच के साथ आते हैं कि हमारे पास आएँ लर्न कीजिए, तो उनके ऊपर क्या आपका एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं कि वो करिकुलम इतना स्टैंडर्ड करिए, टेक्नोलॉजी क्या प्रॉब्लम है कि वो चीज़ नहीं डेवलप हो रही है जो आप मांग रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा पुराना हो गया है क्योंकि तकरीबन 9 साल पहले मैं एक फिल्म स्कूल गया था लाहौर में, जिसका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, मगर वहाँ पे मुझे लगा कि उन लोगों को कोई टेक्निकल एस्पेक्ट समझ ही नहीं है, सेट्स बनाने नहीं आते, कैमरे अच्छे क्वालिटी के हैं नहीं कि आप उनकी टेक्निकलिटीज सीख सकें। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी जिसके अंदर आपकी सारी इक्विपमेंट और टूल्स जो आपको चाहिए होते हैं फिल्म बनाने के लिए उनको सीखना, वो वाला एस्पेक्ट मिसिंग है, उस ज़माने में था। आई थिंक कुछ ग्रेजुएट्स मुझे मिले हैं
कराची यूनिवर्सिटी के और जैबिस्ट के जो काफ़ी टेक्निकली साउंड भी रहे हैं, तो YouTube क्योंकि अब अवेलेबल है और तालीम सारों के लिए खुली है, आप जो भी सीखना चाहते हैं आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। अब तो उर्दू में भी, वैसे तो हिंदी में लिखा होता है क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं जो सिखाते हैं, तो आप सीख सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल मोटिवेशन पे है, अगर आपका दिल करता है आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपको कुछ इस ज़माने में रोक नहीं सकता। अच्छा जी, इसके अंदर मज़ीद अगर ऐड करना चाहें रिगार्डिंग मोनेटाइजेशन के हवाले से, क्योंकि हमारा टॉपिक भी सोशल मीडिया के जदीद रुझान आते हैं, तो आजकल के इश्यूज़, और इसी के अंदर एक सेकेंडरी क्वेश्चन है, पिछले 6-8 महीने में जो पाकिस्तान के टॉप 10 यूट्यूबर्स थे उनके आपस के कुछ काफ़ी फड्डे अड्डे हुए थे, कुछ उसके बारे में भी इनसाइड बता दें लोगों को, मासूमाना सवाल है। बस समझ गए आप भाई, नाम हर जगह नहीं ले आता, बस दबे अल्फाजों में थोड़ा सा जिक्र कर जाएं कि इनसाइड क्या थी, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, हम तो सुनी सुनाई बातें और आपकी वीडियो देख के बड़े हुए हैं। ठीक है, पहले मैं आपके दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। मेरे ख्याल से जो लड़ाइयाँ होती हैं दोस्तों के दरमियान, यूट्यूबर्स फेलो कॉलीग्स के दरमियान, उससे अगर हम कोई सबक ना सीख सकें तो उस लड़ाई का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था। तो मेरे लिए तो उसके अंदर सबक यही था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक होते हैं। आपने एक काम पे एक जोक बनाने में 10 साल काम किया है, क्योंकि ना सिर्फ आपने वो जोक लिखने के वक्त काम किया है, आपकी पूरी ज़िंदगी का तजर्बा उस जोक तक आपको पहुंचाता है। तो आपने एक जोक लिखा है, उसके अंदर आपके 10 साल गए हैं, कोई दूसरा इंसान उसको कॉपी करके अपने बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े पैमाने पे शेयर कर दे तो आपको जलन तो होगी क्योंकि आपका काम ज़ाया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से हमने उस चीज़ में से सीखा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हमारी थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने तो यहाँ तक इस बात पे छोड़ दिया और मैं एग्जिट भी हो गया हूँ इस फड्डे में से, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है फड्डे करने की, मैं अमन पसंद इंसान हूँ। उससे पहला सवाल आपका मुझे भूल गया जी, वो वीलॉगर के हवाले से मोनेटाइजेशन, एक मेरा सवाल और भी था शुरू में स्टार्टअप पे, आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वीलॉग बनाने में और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस, जिस वीलॉग को बनाने बैठे मुसीबत आ गई नहीं बन पाया, और जो सबसे बेस्ट निकाला कि यार ये मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया है अभी वीलॉग एक्सपीरियंस में। मेरे ख्याल से कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस दिमाग में आता नहीं है, मुश्किल ये होता है अगर आपने कोई चीज़ प्लान की हुई है, मैं शंदूर फेस्टिवल जाऊंगा, पहुंच ही नहीं पाते, बहुत बुरा वीलॉग था वो, मैं नहीं पहुंच पाया। तो इस तरह के कुछ व्लॉग्स होते हैं जिसमें आप कोई चीज़ करना चाह रहे होते हैं नहीं होती, लेकिन वो नाकामी की कहानी भी व्लॉग होता है और उसको भी आप मतलब कि कभी हिम्मत नहीं हारनी, काम करते रहना है, मतलब कि जब हो गया ओ यार अब तो हम शंदूर पहुंच नहीं सकते, बस बैठ गए थक गए हार गए कुछ नहीं होना, नहीं ये नाकामी की कहानी से क्या सबक सीखा है ये बता दो यार, ये कहानी है क्या बात। तो मैं तो आगे बढ़ता रहता हूँ, मैं उस नेगेटिविटी को अपना हिस्सा नहीं बनने देता ताकि आगे बढ़ने की कुव्वत आपके अंदर बरकरार। चले जी, बहुत मोटिवेशनल लाइन थी भाई, तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा जी, बेकार फिल्म्स के हवाले से थोड़ा सा एक डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी यंग यूट्यूबर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेचारे अक्सर बेशतर मुझसे, क्योंकि मेरा टेक्निकल ज़्यादा लिंक है इन बातों से, मीडिया से थोड़ा कम है, तो टेक्निकली मुझसे पूछते हैं मोनेटाइजेशन के लिए एप्लीकेशन दी है, मोनेटाइज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चीज़ें स्टार्ट नहीं हो रही, तो कंटेंट स्क्रिप्ट मोनेटाइजेशन इन बच्चों के लिए किस तरीके से स्टार्टअप हो सकता है और ये कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं कि ये भी आप लोग के साथ किसी दिन पैनल कहीं शेयर करें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जहाँ तक बात है कॉन्टेंट की, तो अब हम जो करते हैं वो ज़्यादातर कॉमेडी होता है क्योंकि एंटरटेनमेंट हमारा पेज है, तो हम उसमें कोशिश करते हैं कॉमेडी वे में, हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो हम उसमें अपना मैसेज जो भी है वो या जो भी चीज़ कहनी होती है हम कॉमेडी वे में कहते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप भी अगर यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो आप भी कॉमेडी करें या आप भी ब्लॉग बनाएं या आप भी ट्रैवल ब्लॉग बनाएं या इस तरह की कोई चीज़ें करें। देखिए, यूट्यूबर बनने के लिए आपको फिल्म मेकर होने की मतलब ज़रूरत नहीं है फिल्म मेकर होने की। यूट्यूब पे जाएं आप और कंटेंट चेक करें पहले कि किस किस तरह के कंटेंट है, वहाँ पे कोई टेक रिव्यू भी है, उसके लिए फिल्म मेकर बनने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल उठाएं और बनाने शुरू कर दें। इसी तरह एक बहुत बड़ा चैनल है यूट्यूब का, शायद आप लोगों को पता हो या ना, किचन विद आमना, वो सब्सक्राइबर के लिहाज से भी हर लिहाज से और चैनल भी मोनेटाइज होता है, यूट्यूब ऑफिशियल उसको इन्वाइट भी करता है उस बंदी को, तो वो खाली उसकी एक्सपर्टीज़ थी कि वो अच्छा खाना बनाती थी, तो वो यूट्यूब पे आ जाए, वो फिल्म मेकर बहुत अच्छी नहीं है बट वो यूट्यूबर बहुत अच्छी है। तो आप खाली ये देखें कि भाई आपकी स्किल्स क्या है, बस उसको एक वीडियो फॉर्म में लेके आना क्योंकि ये वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है यूट्यूब,
तो उसको अब आप वीडियो स्ट्रीमिंग वीडियो फॉर्मेट में आपको लेके आना है। अब वो कंटेंट आपका कुछ भी हो सकता है, वो चाहे आप कोई मैकेनिक हो तो बाइक्स का आप रिव्यू दे रहे हो, या कोई इंजन की बात कर रहे हो, या आप कुछ कुछ ऐसे भी चैनल है जो टॉयस के बारे में रिव्यू दे रहे होते हैं, तो मतलब टॉयस पे ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा चैनल है वो भी टॉयस के बारे में रिव्यू मिले, और कुछ कुछ तो उनका काम ही ये होता है कि लोगों की नेटवर्थ क्या है उसके ऊपर भी चैनल मतलब लोगों ने बनाए हुए कि कौन क्या चला रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स पे भी बनाए हुए लोगों ने चैनल्स, और कुछ लोग रिएक्शन वीडियोस भी बना रहे होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आपके पास कंटेंट है, मार्जिन बहुत है यूट्यूब पे आपके पास। ये नहीं कि आप देख रहे हैं कि बेकार फिल्म्स है और लोग कॉमेडी देख रहे हैं तो मैं कॉमेडी अप्लाई करता हूँ, तो हो सकता है वो आपसे अच्छी ना हो। तो आप पहले ये चेक करें कि आपको करना क्या है, और यूट्यूबर बनना है तो उसके लिए बस स्किल्स आपको कोई देखनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है यूट्यूब पे कि रिलेट कर सके, लोग आपको सर्च कर सकें, ऐसी कोई बात ना हो कि जो लोगों के मतलब की नहीं है या उनकी ज़रूरत नहीं है। अब कराची में बैठे हैं तो बिरयानी की बात करेंगे आप, यहाँ पे बैठ के कोई पास्ता आप बेचेंगे नहीं, तो पहले अट्रैक्ट करने का ये कराची वाली बिरयानी, लाहौर वाली बिरयानी। पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि वही मुबीन भाई की बात आगे लेके जाते हुए कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, इंसान को जानना चाहिए उसका हुनर, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं उस एक इंसान के अंदर, अगर वो अच्छा बोलता है या वो गाता अच्छा है या उसका टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है या उसको कैमरों का शौक है, वो चीज़ अगर वो पहले पहचान ले ना कि क्या क्या चीज़ें उसकी अच्छी है, तो आगे उसका आउटकम देख सकता है। शायद हो सकता है यूट्यूब ना हो उसका आगे आउटकम, हो सकता है फिल्म हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपने आप को पहचानना तो सबसे पहली बात है। और मोनेटाइजेशन, आई थिंक रोकड़े की जो आप बात कर रहे थे, वो उसमें एक सिंपल चीज़ मेरे ख्याल से जो देखनी चाहिए, अपने काम पर खुद सेटिस्फाई होना और अपने काम को बेहतर बनाना पैसों से पहले रखना चाहिए, पैसा खुद ही आता है। अगर आपका काम कनेक्ट कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरे एक्सपीरियंस में मैं जितने लोगों को जानता हूं उनका पैसा आ ही जाता है। सही। और मोनेटाइजेशन जो यूट्यूब की वेबसाइट आपको देती है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आपको स्पॉन्सर देंगे। सही। जो पेप्सी आके कहेगी कि हमारा इवेंट हो रहा है आप जाएँ, वो बहुत ज़्यादा पैसे होंगे कंपेयर टू अभी currently YouTube के monetization के AdWords के पैसे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ जो YouTube इनकम है, लोग हमेशा उसकी बात करते हैं कि YouTube पे बड़े डॉलर्स मिल रहे हैं इनको। जो हमारी जो प्राइमरी इनकम होती है वो ब्रांड से होती है, और ब्रांड आपके पास तभी आता है जब आपका क्वालिटी कॉन्टेंट होता, ये नहीं कि आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, आपका क्वालिटी कॉन्टेंट होता है ब्रांड्स आपके पास वैसे ही आते हैं। सो जो YouTube इनकम है फिर वो आपकी सेकेंडरी इनकम बन जाती है, तो और वो हम उसको एक तरह से बोनस के तौर पे लेते हैं। जुनैद साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? इसमें मैं ये कहूँगा कि आप अपना गोल ये ना रखें कि मैंने फेमस होना है या मैंने पैसे कमाना है, वो फिर आप उसी जाविये से हर चीज़ को देखेंगे और फिर शायद आप अपनी मंजिल पे पहुँच ना पाएं। मैं हमेशा बच्चों को ये एडवाइस देता हूँ, नेवर चेज मनी, चेज सक्सेस, मनी विल इवेंचुअली फॉलो यू। मुझे कॉमेडी करने का शौक था, मैं स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की T2F से, सबीन महमूद मेशी रेस्ट इन पीस, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था एक ओपन माइक का, वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। वरना मैं बड़ा शाय था, मैं बात नहीं करता था किसी से, मैं बड़ा अकेला घूमता था एट्रियम मॉल में, कोई दोस्त नहीं था तो मैं बड़ा लोनली सा था। फिर मैंने बोला यार, अच्छा मैं हमेशा ये बोलता हूँ सब बच्चों को, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है इस मुल्क में सबसे कीमती ज़मीन कौन सी है? ज़मीन, हाँ, बैरियर डाउन नहीं है, नहीं नहीं, ऑडियंस से लेना चले जाएं इस सवाल पे, आपसे पूछ रहा हूँ आप बताएं। अगर एक इस्लामाबाद में हम कहते हैं जी कीमती ज़मीन, और कराची में अगर कहते हैं बाता आइलैंड की बात करते हैं, नहीं, सबसे महंगी ज़मीन कराची में मेवा शाह कब्रिस्तान। Why? Because it's full of ideas that were never materialized. हम यही सोच सोच के मर गए, वो क्या कहेंगे, हार्ट अटैक हो गया, मर गए, काम ही नहीं किया, हल्ली वल्ली सोचना ही नहीं है आपने मतलब सोचना ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाएं, लोगों के कहने से क्या कैंसर होता है, कुछ हुआ तो मैं बड़ा शाय था। खैर फिर मैं चला गया, सबीन महमूद ने बोला आप आ जाएं परफॉर्म करें, मैं यार डिफेंस में मैं कोई जानता मुझे है नहीं, मैं रणछोड़ लाइन में रहता था रामस्वामी में, सारी जिंदगी यहीं रहेगी, बाइक में, बाइक का नंबर प्लेट थी बलोच सरकार, पाक कॉलोनी के एक बलोच से खरीदी थी पहले, तो मेरे वो लगा के रखा, पुलिस वाले पकड़ेंगे नहीं तो मैं चला गया बाइक पे, मेरा खली वली अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा हुआ मुझे लोग जानते नहीं ना, मैं इनको जानता हूँ, हम कहाँ टकराएंगे,
ठीक है ना, वो उनका अलग सर्कल है, मेरा अलग। मैं वहाँ गया, मैंने परफॉर्म किया, अच्छा हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, फिर मैं करता रहा। अब मैं अपनी जेब से करता था, बाइक पे पेट्रोल भराया, दोस्तों को बुलाया, उनको पिज़्ज़ा भी खिला रहा हूँ, यार आके मेरा शो देख लो, बहुत पैसे इन्वेस्ट हुए। फिर जब एक ही बार छक्का लगा और वो सारे 3-4 साल के पैसे एक झटके में निकल आए, ठीक है, व्हाई? बिकॉज मैं पैसे नहीं चेज कर रहा था, मैं सक्सेस चेज कर रहा था। एक ही पहली ब्रांड डील से फूड पांडा की थी, सारे पैसे कवर हो गए। तो पैसे इवेंचुअली आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये अंदर से मार दें कि वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगा, उसको छोड़ दें आप। और ख्वातीन को खासतौर पर देखें, द बेस्ट थिंग अबाउट पाकिस्तान इज यहाँ पे आप कोई भी आइडिया इंप्लीमेंट करें, यू आर मोस्ट लाइकली द फर्स्ट पर्सन टू डू इट, बिकॉज यहाँ कोई करता ही नहीं, कुछ इनोवेटिव चीजें करते नहीं, सब एक दूसरे को देखते हैं। एक ने मंदी खोली, सब ने मंदी खोल दी। एक चुरोज लेकर आया मार्केट में, पूरे डिफेंस में चुरोज। चरखा तो पुराना है, मगर समझ रहे ना मेरी बात। तो आप जो है स्टार्ट कर दें, और इतने ऑप्शंस हैं यूट्यूब पे, सिर्फ कॉमेडी नहीं है या पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है, डीआईवाई वीडियोस इतनी देखी जाती है, डू इट योरसेल्फ वीडियोस। आप में अगर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का शौक है, आप वो चैनल बनाएं। खवातीन को मैं खास तौर पे कहता हूँ, चले अगर आपको इशू है कि आप अपना फेस सामने नहीं ला सकती, घर की रिस्ट्रिक्शंस हैं, या अच्छा आप कुछ भी कर लें, आप स्टेम सेल रिसर्च की भी बात कर रही होंगी, कमेंट क्या आएगा, वो आपके स्कार्फ में से बाल यहाँ से दिख रहा था, तो शरई तौर पर जो, अबे भाई ये जान ही नहीं छोड़ेंगे, ये जान से मार देंगे आपको। कमेंट्स पढ़ने ही नहीं आपने, शुरू में पढ़ें, आइडिया लें, फीडबैक लें कि वीडियो किस तरफ जा रही है, और उस फीडबैक की बेसिस पे अगली वीडियोस में रेक्टिफाई करें। मगर अगर आप लोगों को जवाब देने में लग गए, ये क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों है, उस पर ना पढ़ें। टॉयज के रिव्यूज आपने बताए, इतने यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कुकिंग के इतने ऑप्शंस हैं, द स्काई इज द लिमिट। यूट्यूब इस वक्त दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अब ये आपके ऊपर है, आप उसमें आपको ऑमलेट कैसे बनाते हैं वो भी मिलेगा, सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे बनाते हैं वो भी मिलेगा, मगर अगर आपने नरगिस ही कोफ्ते देखने हैं या नरगिस का डांस देखना है, तो मसला आप में उसमें नहीं है। इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। मगर आप, अब हमारे यहाँ ट्रेंडिंग में चल के आ रहा होता है, आप ट्रेंडिंग वाले पेज पे जाए, वो क्या है, बड़ा पछताओगे। एक मिनट, नंबर में हम लोग आ गए अभी, पूरी देखो, जोक पब्लिक में नहीं होता, पब्लिक में जोक होता है फिर सबके लिए होता है, बाहर आगे बताइए ना क्या ही है। ऐसा नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया, आई थिंक वो किसी ड्रामे की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई सॉन्ग है वो, बड़ा पछताओगे, वो उसके बारे में बात। अच्छा, वो ट्रेंडिंग पे वो चल रहा है। अच्छा अच्छा, खैर थोड़ा सा ऊपर आओगे हम भी आ गए ट्रेंडिंग पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यार, ये देखो हम अगर जो बैठे हुए यहाँ और हमारे अलावा और जो नहीं है यहाँ पे, वो सबके चैनल को कोई 6-7 साल हो गए यूट्यूब पे, आई मीन यूट्यूब पे नहीं तो फेसबुक पे। अच्छा, जो पैसा है, जो मोनेटाइजेशन है, उसको आए हुए 2-2.5 साल हुए हैं अभी, और एग्जैक्टली ब्रांड को आए हुए भी 2-3 साल हुए हैं, उससे पहले अकल नहीं थी उनको। तो उससे पहले जो 3-4 साल जो सफर किया हम लोगों ने, उसमें पैसा इन्वॉल्व कहीं नहीं था, उसमें सिर्फ बस पैशन था हम लोगों का। तो हम लोग सिर्फ काम कर रहे होते थे और डाल रहे होते थे, मतलब देखते थे कि हमारा जो असल जो रिवॉर्ड था होता, शेयर्स कितने आ गए, क्या फीडबैक क्या आया, बस ये रिवॉर्ड था। पैसा तो अभी 2-3 साल हुए हैं ये डिजिटल पे पैसा लगाना शुरू किया है एडवर्टाइजर्स ने, वरना इससे पहले पैसा नहीं था हमारे पास। बिल्कुल सही बात, और अब मजे हैं हमारे। बिल्कुल सही बात। अब एक और चीज, यार पैसा क्यों, एक और चीज मैं कहूंगा, पेशेंस भाई, खुदा के वास्ते सबर करो। मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया, जुनेद भाई, वो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मतलब माशाल्लाह गुड, कीप इट अप, तो कह रहे मैं वायरल नहीं हो रहा। मतलब बनाए हुए कितना टाइम हुआ, कह रहे 1.5 महीना। मतलब ठंडे पानी से नहा के पंखा खोल, वायरल हो जाएगा। मतलब अगर आपकी सोच ही है कि मैंने वायरल होना है, फेमस होना है, तो आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैलकम ग्लैडवेल की कहावत है ना, 10,000 आवर्स देने आपने किसी भी प्रोफेशन में परफेक्शन। तो आप आज हमारा फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं कि यार जुनेद भाई के मजे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मुरू भाई भी जो है ट्रैवल कर रहे हैं, मुबीन भाई भी अभी थाईलैंड से हैं, माशाल्लाह फ्रेश लग रहे हैं। तो सो आप लोग हमारा फिनिश प्रोडक्ट देखते हो, आप हमारी स्ट्रगल्स ही देखते हैं। आपने मेरी पहली वीडियो देखी, मेरे इतने अजीब से बाल होते थे, किसी को पता भी नहीं होगा। वो 2007 से मेरा चैनल बना हुआ है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट रिकग्नाइज। ऑल्सो एक साहब ने वीडियो बनाई थी पिछले दिनों, टॉप यूट्यूब चैनल्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उसमें टॉप 5 में पी फॉर पकाओ है, जिसको आप जानते होंगे, बाकी शायद उनको आप इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ व्यूज, ठीक है, ये दो स्केल थे, मेट्रिक्स थे। उसमें पी फॉर पकाओ एक जाना माना कॉन्टेंट क्रिएटर था, बाकी ज्यादातर टीवी चैनल थे या कुछ और थे। मैं और मोरू उस लिस्ट में 250 नंबर में भी नहीं है,
We're not even on the top 250. मगर हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने because we have created our value. ठीक है, उन 250 चैनल्स में से आप सबको नहीं जानते होंगे. अब जैसे वो बात की ना मुबीन ने कि खाली नंबर्स पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे ब्रांड्स, नंबर्स तो हकीकत टीवी के भी बहुत है. अब अभी परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है ना, वो हाँ वो बहुत है, ये वाला मंचन बहुत बिकता है कि भाई वो मोसाद के फौजी आ गए थे किमाड़ी पे, बलोचों ने पकड़ा उनको, ऐसा मंचन बहुत चलता है. मगर ये किसी काम का नहीं, आप डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे, यू आर डूइंग डिसर्विस टू द नेशन. आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने आप से नहीं बोल सकते. अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट अ पोजीशन, मोरू इज एट अ पोजीशन, मुबीन इज एट अ पोजीशन जहां हमारा इन्फ्लुएंस है, लाखों लोग हमारी बात सुनते हैं. हम चाहे बहुत से डिसइंफॉर्मेशन आपको भी सेल कर सकते हैं, किसी से पैसा पकड़ा मंजन बेच दिया, क्या मुश्किल है, बहुत आसान काम है बिकॉज अब आप लोग ट्रस्ट करते हो. मगर हम अपने आप अपने जमीर को भी जवाब देना है, एंड दैट इज द रीजन हम पॉपुलर ओपिनियन पे बात नहीं करते. इस मुल्क में मशहूर होने के लिए आप जो है मोदी को गालियां दो, आपको लोग तालियां बजाएंगे, ठीक है ना, आप मजहब बेचो, नेशनलिज्म बेचो, आपको बहुत. लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो या अगर आप सवाल उठाते हो तो आपको गालियां भी पड़ती है, फतवे भी पड़ते हैं. मगर सच का साथ हमेशा देना चाहिए बिकॉज सच का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है, मगर इन द लॉन्ग रन आप सर्विस कर रहे होते हो अपने नेशन को. तो ये इम्पैक्ट रखे, बहुत आसान. चलिए जी, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे तीनों पैनलिस्ट ने बार बार एम्फेसाइज किया इनोवेटिव की तरफ, कि कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग हो. आपने विदिन लियारी रहते हुए हमारा लियारी डॉट कॉम एक वेबसाइट बनाई, काफ़ी उसने ब्लॉग्स को भी पोस्ट किया और सोशल इश्यूज को उठाया. फर्दर हम क्या इसमें एडवांसमेंट देख रहे हैं और इस ब्लॉग के बारे में थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर रिव्यू के बारे में लोगों को बताएं कि किस तरह से बेहतरी आई और लोगों में किस तरह फ़र्क आया आपकी वेबसाइट से. अस्सलाम वालेकुम सबको. मैं बेसिकली ये तीन लोग जो हैं वो इंटरटेनमेंट से ब्लॉग करते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल ही डिफरेंट ही चीज़ है हमारा लियारी. बेसिकली हमने ये 2 साल पहले स्टार्ट किया था. इशू ये थे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उसको टैकल करने के लिए कि वो ज़्यादातर नेगेटिविटी वो शो कर रही थी और हम उसको उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जाहिर सी बात है. तो हमने सोचा, हम तीन लोग थे, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना एक डिजिटल मीडिया को लेते हुए एक वेबसाइट की शक्ल में, ब्लॉग की शक्ल में, और ब्लॉग्स भी अमूमन बहुत से कम लोग ही इस्तेमाल, मतलब बहुत सा कम, पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कम है ब्लॉग्स का रुझान. तो हमने कहा कि हम स्टार्ट करते हैं. तो हमने 2 ईयर्स पहले स्टार्ट किया. तो स्टार्ट में तो वही बात आप कह रहे थे कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. हमने जब स्टार्ट किया तो हमने जो अनसंग हीरोज़ हैं उनको हम लेते गए स्टोरीज. हमने इवन वी आर नॉट राइटर्स, हम खुद लिखते गए, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते गए और हमें सजेशन आती गई और हमने स्टार्ट किया. अब हमारे वेबसाइट के अंदर 150 आर्टिकल्स हैं और दे आर, मतलब इवन अब होता यह है कि हम जो आर्टिकल पब्लिश करते हैं मीडिया हमें अप्रोच करती है कि आप उनका नंबर दें और वो आगे मतलब इन्फ्लुएंस इतना हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा. तो भाई हमारा लियारी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है खास तौर पर उस यंगस्टर्स के लिए, यंग राइटर्स के लिए, कि वो आए और आके सारे सोशल इश्यूज को डिस्कस करें. तो आप लोग को चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म को मजीद मजबूत कीजिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके थ्रू चलेगा, खुद से इदारा कुछ भी नहीं चल सकता जब तक आप लोग की कंट्रीब्यूशन इस ब्लॉग के अंदर ना हो. सर इसमें कंट्रीब्यूशन एक करूँगा. बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ब्लॉग का रुझान नहीं है, ज़्यादातर लोग वीडियोस बनाना पसंद करते हैं या व्लॉगिंग करना पसंद करते हैं. आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप ब्लॉग नहीं लिख रहे हैं तो आप बहुत नुकसान में. इवन इफ देयर आर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इवन स्कूल स्टूडेंट्स, दे विल राइट और पब्लिश करें उस चीज़ को, इसका बहुत फ़ायदा है. अभी फ़ायदा नहीं है, मैं एक कहानी शेयर करूँगा. प्रो पाकिस्तानी के ऑनर का आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, प्रो पाकिस्तानी. मैं इस्लामाबाद गया हुआ था तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई. तो ही इज़ नॉट पब्लिक स्पीकर, मतलब जब उसने बात की, इवन आई एम नॉट पब्लिक स्पीकर, मैं फर्स्ट टाइम मतलब इतने लोगों के सामने बात कर रहा हूँ. तो उसने मुझे कहा कि हमने जब स्टार्ट किया, और वो टेली कम्युनिकेशन से बिलोंग करता था, नेटवर्किंग, ही इज़ अ नेटवर्कर, और वो जो प्रो पाकिस्तानी इसने लॉन्च किया टेक्नोलॉजी ब्लॉग थी, ठीक है. उसने कहा कि 2 साल तक सिर्फ हर दिन हमारे पास 5 व्यू आते थे, कितने, 5 व्यूज, वो भी जस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली बस. उसने कहा कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मेरा काम भी चल रहा था. तो 2 साल बाद अब आप प्रो पाकिस्तानी को जानते हैं. जो भी ब्रांड पहले पब्लिश होता उसी के पास वो ब्लॉग लिखवाता. तो हम जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, सबसे बड़ा मसला ये. इवन हमें भी अभी अप्रोच करते हैं कि आप लोग क्यों कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों अपना पैसा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मत करें, आपसे आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा. हमने कहा हम क्यों स्पॉन्सरशिप लें, हम खुद कर रहे हैं. हाँ आप स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं आप लिखें हमारे लिए, यही हमारे लिए बहुत है.
मतलब ये लोगों में एक ये मसला भी है कि हिम्मत जल्दी हार जाते हैं और वेट नहीं करते। अब वो दो साल आप लगा रहे हैं और उसके बाद आप छोड़ देते हैं उस चीज़ को, क्या भरोसा दो साल बाद वो चीज़, जैसा सर ने अभी आपने कहा कि अर्निंग तो अभी दो साल पहले से हो रही है, उससे पहले 2007 से हमारा ब्लॉग मतलब मैं यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया हुआ था, तो अगर आप वहीं आप स्टॉप कर जाते तो क्या अब आप इस मकाम पे होते? बिल्कुल, अब आप इस तरह बन चुके ना, दो साल से सारी चीज़ें हो रही है, तो हम जल्दी एक तो गिव अप कर जाते हैं और दूसरी चीज़ हम पेशेंस ही नहीं है हमारे अंदर, हम सब्र ही नहीं करते, और मतलब जल्दी रिजल्ट चाहिए हर चीज़ का, कि हमने काम किया और रिजल्ट सामने हमारे हो कि हाँ जी हमने ये अचीव कर लिया, ये सबसे बड़ा एक इशू है। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त टॉक। अच्छा जी, थोड़ा सा डिस्कशन को आगे ले जाते हैं और ये मेरी तरफ से बस फाइनल और लास्ट टॉपिक होगा फॉर ऑल ऑफ फोर, उसके बाद हम ऑडियंस में आएंगे एज पर कमिटमेंट। लास्ट 10 मिनट्स ऑडियंस के लिए हम ओपन करेंगे, वो अपने फेवरेट व्लॉगर्स से और ब्लॉगर्स से बात करें और डिस्कस करें जो भी उनके जहन में। मेरा एक सवाल ये है कि तकरीबन एक डिकेड हो गया आप लोग को काम करते हुए, पाकिस्तान की सोशल मीडिया इंडस्ट्री को आपने अपने सामने पैदा होते हुए उसके तमाम अप्स तमाम डाउन्स देखे, कॉन्ट्रोवर्सी भी देखी, समटाइम रियलिटी भी आपके सामने आई, कोई रियलिटी चेक भी था, लेकिन हम अगर इसको एज कंपेयर करें इंडिया के साथ पर्टिकुलरली, तो जो वहाँ पे डार्क कॉमेडी का जो कंसेप्ट है पूरा और एक पब्लिक के साथ उसकी इंटरेक्शन है और इंगेजमेंट है, क्या पाकिस्तान में हमारी ऑडियंस और हमारे सुनने वाले उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम उस पार्ट को भी अब टच कर सकें, कॉमेडी कर सकें, या अभी भी हमारे जब आप लोग कॉमेडी करते हैं या आप लोग कंटेंट बनाते हैं तो आप लोग अपनी लिमिटेशंस का अंदाजा होता है, यार हम अभी भी हमारे हाथ पांव गले में, कितना डिफिकल्ट होता है एक महाज के ऊपर जाके कॉन्टेंट बनाना, और इसके अंदर एक परस्पेक्टिव आपकी उस वीडियो का भी है जिसका इंडिया से लाइक बहुत आया था, अभिनंदन वाली का, जिसके अंदर आपने वो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि भाई हम भी चने बेचने के लिए हमने F-16 नहीं खरीदे हुए और तुम आए और यूं आके आके चले जाओगे और हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम लोगों के पास जो पाकिस्तानी जो हमारे व्यूअर्स हैं, सबसे मेन मसला ये है कि हम दूसरे की चीज़ तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर जब वो चीज़ हम अगर अटैम्प्ट करेंगे वो चीज़ तो वो उस पर क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, तजलील कर रहे होंगे, तनकीद को कमी कर रहे होंगे, तो ये मसला है। जैसा कि अभी आप देखें ना, मैं कोई काम की अगर बात बोल रहा होता हूँ अपने इंस्टा या स्नैपचैट पे, तो वहाँ बात सुनते कम है, उससे पहले मुझ पर फतवा लगाते थे कि आपकी मूछें बहुत बड़ी हैं, खाना जो खा रहे हराम है। अब मैं क्या जवाब दूँ, मतलब जो बात थी वो तो वहीं की वहीं रह गई। तो इसी वजह से डार्क कॉमेडी बहुत अच्छा एक जॉनर है और मेरा फेवरेट है, बट मसला वही है कि यहाँ पे डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, माशरा ज़ेरे तामीर है कह सकते हैं आप, और काफी टाइम लगेगा क्योंकि मस्जिद और माशरा हर वक्त ज़ेरे तामीर ही रहेगा, और डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ये कहीं एक जगह पे हम लोग फोकस होते हैं तो फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। तो अब यही है कि जैसे कि इंडिया में अगर आप जाएं तो भुवन के सबसे ज्यादा शुरू में जो फॉलोअर्स थे वो पाकिस्तान से थे, उसकी 70% ऑडियंस पाकिस्तान से थी। अब आप ये सोचे ना कि भुवन के जो शुरू में जो शोज हुए वो भी पाकिस्तान में ही हुए, वो स्काइप पे बैठ के हमारे साथ शोज होते थे उसके भुवन के, उसके बाद उसको इंडिया में थोड़ा पहचाने जाने लगा, वरना तो लोग यही समझते शायद वो पाकिस्तान का, क्योंकि वो अपने कमरे में बैठ के बना रहा होता था चीज़ें। सो फिर हमारे कोलैबोरेशन हुआ भुवन के साथ, तो जब हमने कोलैबोरेशन उसके साथ किया तो भुवन के चैनल पे तो जाके किसी ने कुछ कमेंट उल्टी सीधी नहीं किए, बट हमारे पास आके सबने भुवन को गाली दी कि ये तो बहुत गालियाँ बकता है, आपने इनके साथ कोलैबोरेशन क्यों किया। तो वहाँ जाके हम देखते रहे, हमें कैटरीना नाचती भी तो अच्छी लगती है, मगर अगर मीरा नाच लेना तो फिर मसला है हमारे पास। डबल स्टैंडर्ड है हर चीज में, देखने में भी सुनने में भी, हिपोक्रेसी है हमारे पास, पसंद सबको होता है बट वो एक बनावटी चेहरा रखा हुआ हमने। सही, जो वही बात है कीबोर्ड वॉरियर से। सही, चलिए भाई। अच्छा, इसमें आप देखें ना, हमें इन चीजों को डेवलप होने में टाइम लगता है। अब हम टीवी पे पिछले 12 साल से हमारा नंबर वन कॉमेडी शो बुलबुल है, उसमें एक ही थीम है, राजा साहब नहीं महमूद, अच्छा शकील, बस यही है, यही होता है, ठीक है। तो हमने स्पेस ही नहीं दी कॉमेडी को, पहले बड़ी अच्छी कॉमेडी होती थी, हमें 80s किड्स किड, तो मैं 50-50 अलिफ नून और ये चीज़ें देख के, अनवर मकसूद साहब को सुन के, हमारा टेस्ट तो वहाँ से डेवलप है और हम वही चीज़ जो है उसी को आगे लेके चलना चाहते हैं या कोशिश करते हैं ऑब्वियसली। 3 साल तो हमारे यहाँ YouTube बंद रहा और वो पीक टाइम था हम लोगों के कमाने का, पीक टाइम था, ठीक है। लिली सिंह को आप जानते हैं,
लिली सिंह आप लोग जानते हैं, वो सुपर वुमन इंडियन जो है, ठीक है। लिली सिंह और मेरी पहली वीडियो आगे पीछे आई थी। लिली सिंह की आज किताब है, वो बुक टूर करती हैं, वो जिमी फैलन पे आ चुकी हैं, वो जिमी किमल पे आ चुकी हैं, ठीक है, और उनकी अब फिल्म भी आने वाली है। शी इज़ वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर्स इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वो कैनेडा में रहती हैं, तो इंडियन कैनेडा में रहती हैं, चूंकि वहाँ पे माहौल ऐसा मिला उनको कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ठीक है। कॉन्टेंट भी उनका बड़ा रिलेटेबल है, मगर पॉइंट इज कि वो पीरियड था हमारा कमाने का, ठीक है, क्योंकि उस वक्त फेसबुक पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, फेसबुक का अपना वीडियो प्लेटफॉर्म उस वक्त नहीं था, ठीक है। उस वक्त आप यूट्यूब की वीडियो डालते थे और वहीं से मोनेटाइज होती थी, ठीक है। फिर जब फेसबुक ने अपना वीडियो प्लेटफॉर्म शेयर किया तो उन्होंने यूट्यूब को डिस्करेज किया। अब आप अगर मैं हाई लिखूं अपने पेज पे तो 2000 लाइक्स आ जाएंगे, लेकिन अगर यूट्यूब का लिंक डालूंगा कि लड़की कैसे पटानी है, 40-50 आएंगे। हालांकि कितना हॉट टॉपिक है, मगर क्या फेसबुक डिस्करेज करता है ताकि उसका प्लेटफॉर्म चले। तो वो जो गोल्डन पीरियड था ये बीच में 3 साल का। अच्छा, हमने यूट्यूब बंद भी क्यों किया था, क्योंकि एक फिल्म आई थी जिसमें जो कि इस्लाम के खिलाफ थी, जिसमें इस तरह का कॉन्टेंट था। तमाम मुस्लिम उम्मा ने उस वीडियो का लिंक डिसेबल किया, हमने पूरी यूट्यूब उठा के फेंक दी कि चाहिए ही नहीं, भाड़ में जाओ, ठीक है। और फिर 3 साल बाद खोल दी और वो लिंक आज भी मौजूद है। तो ये 3 साल क्यों जाया किए हमारे? वो इसलिए जाया किए क्योंकि यूट्यूब की जो उसके ऑल्टरनेटिव जो था, जो फिर एक नई पाकिस्तान की वेबसाइट बनी थी, वो एक इन्फो किसी मिनिस्टर की बीवी की थी वो वेबसाइट, तो सारा ट्रैफिक वहां जा रहा था। तो ये अच्छा, यूट्यूब पे सिर्फ एंटरटेनमेंट तो नहीं कॉन्टेंट है, मेडिकल के बच्चे सर्जरीज देखते हैं उसमें, सर्जिकल प्रोसीजर्स देखते हैं, रोबोटिक्स देखते हैं, 10,000 चीजें सीखने को। आपने 3 साल अपनी कौम को बिल्कुल पीछे कर दिया। इन दिस डे एंड एज, डिजिटल एज की रेस है, ठीक है ना, हमने पीछे कर दिया, हमने पकड़ा दिया जी कि बस कुछ भी नहीं है, टिकटॉक चल रहा है दवा के, ठीक है। तो आपने वो सोच ही नहीं डेवलप होने दी। दूसरा ये कि टॉलरेंस का मसला, अब इंडिया में बड़े से बड़ा मजाक हो जाता है मगर कोई मारा नहीं जाता उसके पीछे। AIIB के पीछे कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, इनके रोस्ट के ऊपर कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, कभी मारा नहीं किसी को हमारे यहाँ। तो अब आप हमारे पास टॉपिक्स क्या है, हम बात किस पे करें, ठीक है। आप जो है रिलीजियस टॉपिक्स पे नहीं है, रिलीजियस जो फेसेस हैं उन पे आप बात नहीं कर सकते, आप मिलिट्री पे बात नहीं कर सकते, आप पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकते। मैंने एक जोक मारा था उस वक्त, इमरान खान पावर में भी नहीं थे, उन पे जोक मारा था इस्लामाबाद में, उनके दोस्त का मुझे फोन आ गया था 2 घंटे में कि सुना है आपने जोक मारा है खान साहब पे, मिला जी कह रहे ओके, फोन रख दिया। तो मतलब आप फिर क्या मैसेज दे रहे हैं, अब हाँ बचा क्या, अपने ऊपर कितने जोक्स मारूं मैं, बिल्कुल सही, बच्चे ही रह जाते हैं, फिर बच्चों पे मार दो, खवातीन पे भी नहीं कर सकते, नाराज होती हैं, ठीक है। तो आपने फिर कोई रूम ही नहीं छोड़ा, और फिर उसकी प्राइस इतनी ज्यादा है, आपको मार दे अगर एक जोक ऑफ लाइफ है, हाँ, अगर आपकी जोक की जो प्राइस है वो कॉस्ट ऑफ लाइफ है, हाँ। हमने दो टॉपिक्स किए थे अमूरन और मैंने, हमने दो कोलैबोरेशंस की थी, एक ब्लास्फेमी से रिलेटेड थी जो मशल खान के वाक्य के बाद वो इन्फ्लुएंस थी, और फिर एक हमने की थी कि ये जो हम मेरी क्रिसमस कहते हैं तो फौरन फतवे आते हैं कि यार अब तो आप काफिर हो गए, ठीक है। तो जस्टिन ट्रूडो जो हर साल रमजान करीम बोलता है वो क्यों नहीं मुसलमान होता, ये फॉर्मूला उस पर क्यों नहीं अप्लाई होता। अब मोदी शेख जैद मॉस्क पे गया वो मुसलमान नहीं हुआ, जुनेद साहब वेटिकन सिटी गए मैं क्रिश्चियन हो गया। तो ये इंटॉलरेंस है, तो हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी कि एक बंदा जो है वो जैसे ही बोल रहा है अगर हैप्पी दिवाली बोल रहे हो फॉरन हिंदू बन रहा है अगर, तो उस पर फिर हमें इतनी जाहिर है इस किस्म के कॉमेंट्स हैं। तो यहाँ तो मैरी क्रिसमस बोलना साहब है, कोई मर जाए खुदा ना खास्ता, ठीक है, अक्सर खबरें आती हैं आबिद अली साहब वफात पा गए, किसी ने लिख दिया RIP, नीचे आके RIP नहीं बोलते मुसलमानों के लिए, इन अल्लाह बोलते हैं। अब वो अपनी लड़ाई, आबिद अली साहब गए साइड पे, अब वो लड़ रहे हैं। तो ये तो हाल है, तो ऐसे इनटॉलरेंस में आप क्या कॉमेडी करोगे भाई, मरना थोड़ी है। तो फिर वही बातें करो जो लोग हजम कर सकें, लेकिन उसमें फिर जो है आर्टिस्ट मारा जाता है, क्योंकि मैं अपना जो चीज़ मैं वाकई कहना चाहता हूँ मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और यही मसला हम सबके साथ है। सही गुरु, बस थोड़ा सा शॉर्ट क्योंकि टाइम कम है बाबा मुझे। मैं एग्री करूंगा, एक तो मुनाफिकत भी है और बर्दाश्त का मादा भी नहीं है हमारी समाज के अंदर, मगर उसके अलावा साथ साथ एक मोटिवेशनल बात मैं ये कहूँगा कि आर्ट जो है वो फ्लरिश करता है, क्रिएटिविटी फ्लरिश करती है जब आप उसको लिमिट कर दें कि भाई आप चुम्मी नहीं दिखा सकते लड़की लड़के के दरमियान, पर्दा बंद हो गया, लाइट ऑफ हो गई, ये आपने सोचा ना, एक क्रिएटिव आपने उसका जरिया निकाला कि पर्दा बंद हो रहा है, लाइट ऑफ होगी, अब आप आगे खुद ही सोच लें। सही, तो ये
जो लिमिटेशंस हमें समाज में दी जाती है उसको पॉजिटिव तरीके से भी देख के आप अपना कंटेंट बना सकते हैं, अपनी बात पूरी कर सकते हैं, तरीके से करने वाली बात भी है। जैसे वो रेखा की फिल्म में दूध उबल गया तो यानी कुछ हो गया। सही। अच्छा जी, एज पर कमिटमेंट टाइम बहुत शॉर्ट है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 or 3 minutes। एक इस साइड से क्वेश्चन होगा, एक इस साइड से होगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन करना चाहे। हाँ, आप देख लें आपकी पॉपुलैरिटी कैसी है पब्लिक में। वैसे तो आप सिर्फ वर्चुअली देखते हैं, कमेंट्स में पब्लिक में भी है। जी, एक क्वेश्चन कोई नीचे माइक दिया जा सकता है ऑडियंस में, वॉलंटियर्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चंस शॉर्ट कीजिएगा। श्योर श्योर। मेरा सवाल मोरू सर से है, मैं खुद स्क्रीन स्टडीज का स्टूडेंट हूँ। मुझे पूछना था कि हमारे पास, जैसे कि मोरू सर ने कहा, रिसोर्सेज नहीं है, हम प्रॉपर्ली नहीं सीख सकते कि सेट कैसे लगाना है, और बहुत ऐसी टेक्निकलिटीज हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे जैसे सीनियर्स हैं, मैं मेंटोर मानता हूँ आपको, तो आप हमें ट्यूटोरियल्स दें, एनी हाउ अगर आप अपने चैनल में ये एडिशन कर दें तो हम लाचारों की कोई मदद हो जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। वैसे तो ऑलरेडी बहुत कंट्रीब्यूशन है, ट्यूटोरियल्स तो बनाता रहता हूं, और आई टीच यू स्टफ जो है आमिर भगत का चैनल है, प्लग कर देते हैं यहां पे उनके साथ, वो डायरेक्टर्स कमेंट्री वगैरह। लेकिन एक और भी मैं बात कहूंगा कि देखो, मैं भी जब शुरू हुआ था मेरे पास सेट के कोई पैसे नहीं थे ना, मेरे पास, मैं आईफोन के ऊपर फिल्म करता था, अपने पहले 4 vlogs मैंने आईफोन के ऊपर बनाए। तो उस चीज के अंदर अपने आप को कम से कम दिखाना कि मैं केपेबल हूँ कोई काम करने के लिए, वो आपका पहला गोल होना चाहिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको अपॉर्चुनिटी छोटी छोटी करके मिलती भी रहेंगी। मेरी तरफ से आपकी बात एक्सेप्टेड है, मैं और ट्यूटोरियल्स भी बनाया करूँ। क्या बात है, जबरदस्त जी। वन क्वेश्चन यहाँ से, अगर किसी कोई फीमेल पूछ ले, अगर किसी को पूछना है, ताकि जेंडर भी बैलेंस हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम वैसे तो बहुत फेमिनिज्म और मतलब इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जब बात सोशल मीडिया पे आती है तो मतलब अगर कोई गर्ल ब्लॉग बना रहा है या फिर सोशल मीडिया पे कोई चैनल खोला हुआ है तो वो बात इस्लाम पे पहुंचा देते हैं, और ये इक्वालिटी नहीं रहती, फेमिनिज्म नहीं रहता। वो कहते हैं कि ये लड़की है, ये क्यों कर रही है। तो अगर आप फेमिनिज्म की बात करते हैं और इक्वालिटी की बात करते हैं तो दे शुड बी इक्वल इन एवरी, मतलब कि सोशल मीडिया या फिर किसी भी चीज़ में अगर वो इक्वालिटी की बात करते हैं तो हर चीज़ में होना चाहिए। अगर कोई वो ब्लॉग बना रहा है तो वो इस्लाम में गलत है, तो वो बॉयज़ के लिए भी गलत है और गर्ल्स के लिए भी गलत है। तो ये इस तरह से कैसे मतलब हो सकता है, आप इस बारे में बात करें। मेरे ख्याल से जवाब भी इसी में ही था सवाल में। नहीं, ये डेफिनेटली मुनाफिकत तो है ना। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप रॉकेट साइंस भी बना रही हो ना, आपके स्काफ के कमेंट्स आएंगे, ठीक है। और ये हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मर्दों के लिए अलग है। मतलब मोरू साहब टॉपलेस हो सकते हैं, मैं तो खैर नहीं हो सकता, और अक्सर होते भी हैं स्टोरीज में, इनको कभी कमेंट्स नहीं आएंगे, कभी शायद आए भी नहीं होंगे, कभी कभी चलो हल्के फुल्के ना, कोई मसला नहीं, हो जाता है। मगर खवातीन का, जैसे मैंने बोला, अगर आप स्कार्फ पहनती है, ज़रा सा बाल दिख रहा है, तो सारे बातें छोड़ के उस पर लग जाएंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो है हमारी सोसाइटी के। और खवातीन का ना आना ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे नहीं है, काफ़ी हैं, व्लॉगर्स भी हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं। मसला ये है कि थ्रेट लेवल बहुत ज़्यादा है उनकी तरफ से, वो कल को रिश्ते ना आए, ठीक है ना, कि जी ये तो बेपर्दा बैठी होती है 10 लाख लोगों के सामने, हम तो ऐसी बहू नहीं लाएंगे। एक वो सोशल उसका मसला ये भी है, फिर फैमिली का अपना प्रेशर है, फिर जिस तरह के कमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कमेंट्स, देखिए हेट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना मुझे कोई 1500 से 2000 मैसेजेस आते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स पर मिला के, उसमें 98% दुआएँ ही होती हैं या मोहब्बत ही होती है, मगर एक गाली वाला होता है और वो आपका पूरा मूड ख़त्म कर देता है, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर देता है। फिर मैं सोचता हूँ यार बाहर में जब मैं क्यों यार टाइम ज़ाय कर रहा हूँ ऐसे आवाम के। तो हेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और जाहिर है फिर हर किसी का थ्रेशोल्ड उतना नहीं होता। मैं सबको यही कहता हूँ कि आप जो है बुलेट प्रूफ बेगैरत बन जाएं, बिल्कुल आपको फील ही ना हो, बिल्कुल फील ही ना हो। एक रशियन कहावत है कि सर्दी और बेइज्जती जितनी फील करोगे उतनी लगेगी, ठीक है। एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम आवर पॉलिटिशियंस। हम पॉलिटिशियंस को क्या कुछ नहीं कहते, कभी उनकी सेहत को फर्क पड़ा, हल्ली वल्ली करते हैं वो, कहते बोलो जितना बोलना है बोलो, कितना बोलोगे, कितने प्रोटेस्ट करोगे बोलो। तो ये जरूरी है, थोड़ा सा अपने आप को सख्त करना जरूरी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हमारी सोसाइटी के हैं कि वही चीज जो मैं कर रहा हूँ वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आप करेंगे तो आप पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये हम एजुकेशन के साथ ही चेंज कर सकते हैं। एंड आई वुड इनकरेज, और मैं हमेशा कहता हूँ खासतौर पर खवातीन को,
कि वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म्स पे आए। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ख्वातीन एक बहुत बड़ा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, जो प्रॉब्लम्स आप रोजाना फेस करती हैं वो शायद मैं अगर मुझे मालूम भी हो मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता उतना खूबसूरती से जितना आप कर सकती हैं। तो एक सपोर्ट ग्रुप भी आप बना सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट अगर कोई है तो वो भी जो ख्वातीन की जो डायनामिक्स है वो ज्यादा एक्सप्लेन बेटर कर सकती है रादर देन मी या मोरो, ठीक है ना। तो मैं इनकरेज करता हूँ हमेशा, तो आप इन चीजों से ना डरें कि रिश्ते नहीं आएंगे, रिश्ते होने देखें। जोड़े आसमानों पे बनते हैं लेकिन पकड़े सफारी पार्क पे जाते हैं। तो जो आपकी किस्मत में होगा आपको मिलेगा। हल्ली वल्ली बॉयज साइड पे करें, अपना काम पे फोकस करें, काम अच्छा होगा हर चीज इवेंचुअली विल फॉलो यू, ठीक है। तो मैं हमेशा लड़कियों को खासतौर पर इनकरेज करूंगा, प्लीज टेक अप दिस प्लेटफॉर्म। और ये स्पेस आपने छीननी है, आपको जगह कोई नहीं देगा, आपको छीननी पड़ेगी। वरना मैं ही अम्मा के कैरेक्टर कर रहा हूँ, क्योंकि अम्मा तो हाँ ये अम्मा बनता है, दाढ़ी वाली इतनी हौलनाक अम्मा। अच्छा जी, खली वली से याद रखिएगा कि सोशल मीडिया के अंदर आपकी सिग्नेचर लाइन बहुत मैटर करती है, क्योंकि जुनेद की ये वाली लाइन खली वली वीडियो में होगी, कुछ मिले ना मिले कॉन्टेंट चेंज होता रहे खली वली जरूर आएगा बीच में, तो सिग्नेचर लाइन है। जी अच्छा जी, इस साइड का अगर कोई लास्ट क्वेश्चन कर ले जल्दी ताकि हम कंक्लूड करें, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ सर, आपने जिस तरह अपने हर स्टोरी में इवन आप कहते रहते हो कि स्टार्ट योर ओन बिजनेस बट यू डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, सो हाउ कट इज पॉसिबल। सर जिस तरह लेट सपोज सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही मतलब शौक है कि मैं उसके अंदर इन्फ्लुएंस हो जाऊँ, मगर मैं हमेशा देखता हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म इतना नहीं मिलता है, मगर मेरे पास स्मार्टफोन है, मैं अपना पेज भी रन करता हूँ मीम्स वगैरह का, तो जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे अचीव तो अभी तक हुआ नहीं है, फिलहाल होगा। जिस तरह आप कहते हैं कि मतलब खुद स्टार्ट करो। सवाल थोड़ा सा मुख्तसर, सॉरी सर, थैंक यू, आई गेट योर पॉइंट। अच्छा देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिसोर्सेज का होना और एक होती है रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस का मतलब है कि जो रिसोर्सेज आपके पास एग्जिस्टिंग है उन्हीं में खेलना। मैं आपको किसी और की नहीं अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे ना कैमरा चलाना आता था ना अभी तक आता है, ठीक है, ना मुझे एडिटिंग आती है, ठीक है। तो मेरे पास था सैमसंग का S4, ना मेरे पास कोई सेक्सी सी लोकेशन थी। आपको याद होगा जो मैं दुबई से वीडियो बनाता था अजमान से, वो मेड्स रूम में रहता था मैं, वो छोटा सा कमरा था और वीडियो में जितना दिखता था उतना ही था, उसमें खिड़की भी नहीं थी। हालांकि उस वक्त लोग ड्रोन शॉट्स ले रहे थे और सेक्सी गाड़ियां और लड़कियां और ये सारे शश के यो वाले ना, मैं अकेला वहां, एक कुर्सी थी एक टेबल था मेरे पास और एक गद्दा था पीछे गंदा सा जिसकी मैं बेडशीट ही नहीं चेंज करता था। एनीवे, तो मेरे पास सिर्फ वो था। अब मैंने बोला कि यार मेरे पास यही है, अब या तो मैं वेट करूं कमेटी डालूं फिर कैमरा मिले, 2 लाख की कमेटी निकले कैमरा खरीदूं फिर मैं जाके करूं कोर्स खरीदूं, या फिर ये कि अभी फोन है जो मैं फोन में कर सकता हूं वो कर दूं। तो मैंने फोन से ही शुरू किया, वो चल पड़ा। द की इज टू बी रिलेटेबल, कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके दिल को लगे। दूसरी चीज, ऑलवेज थिंक लाइक अ कंज्यूमर, हमेशा अपने आप को कस्टमर बन के सोचो। जब मैं किसी की 17 मिनट की वीडियो देखने को तैयार नहीं तो मैं क्यों बनाऊं। तो मैंने स्टार्ट लिया 2.5 मिनट 3 मिनट से, ठीक है। फिर जब प्लेटफॉर्म बढ़ गया लोग आ गए, अब मैं घंटों की भी बनाता हूँ, लोग पूरी देखते हैं, ठीक है। तो आपने रिसोर्सफुलनेस जो आपके पास एग्जिस्टिंग है उसी में ही खेलना है। अब वो आपका जो भी पैशन हो, जरूरी नहीं मैं वीडियो लॉगिंग से व्लॉगिंग से ही रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी बिजनेस हो। आपने देखिए, बिजनेस का रूल है कभी भी अपना पैसे नहीं लगाओ, दूसरे के पैसे से इन्वेस्ट करो। आपका आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए एंड यू शुड नो द राइट काइंड ऑफ पीपल। हम लोग लिंक्डइन को छूते ही नहीं है, लिंक्डइन पे सारा टैलेंट वहां पे होता है, दुनिया भर में लोग टैलेंट वहां से रिक्रूट करते हैं। हम फेसबुक टिकटॉक पे ढूंढ रहे होते हैं मतलब के लोग, जिसके पास जो काम वाला आदमी वो स्नैपचैट पे नहीं होगा, वो आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। आप अपना नेटवर्क ऐसा बनाएं, अपनों से बड़ों में दोस्ती करें हमेशा। मेरा सबसे छोटा दोस्त मुझसे 5 साल बड़ा है, ठीक है, बिकॉज वो कहते हैं इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। आप हमेशा बेहतर से बेहतर कंपनी में जाएं, उन लोगों में उठे बैठे जो बिजनेस की बात करते हो, वैल्यू क्रिएशन की बात करते हो। अगर आप उन दोस्तों में बैठे हैं कि चाय के होटल में बैठ के खुजा रहे हैं और जो है यार वो गाड़ी के रिम्स चेक कर और वो बच्ची और ये भाई तेरे भाई का टिकटॉक नया वाला है, तो वो फिर आप ग्रोथ नहीं कर सकोगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, हफ्ते में एक दो बार वो भी करें, माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए वो भी जरूरी है। मैं भी आज भी पाकिस्तान चौक जाता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, रिफ्रेशमेंट के लिए वो भी जरूरी है, मगर अपनी कंपनी अच्छी कीजिए। आपकी कंपनी अच्छी होगी आपको और नेटवर्क इज नेटवर्थ, ये याद रखें। जितनी आप नेटवर्किंग करेंगे, और हम 2.25 करोड़ लोगों के शहर में हैं यार, यहाँ तो
हर किस्म का बंदा आपको मिल जाएगा, खाली लियारी में आपको इतने अच्छे बंदे मिल जाएंगे. द की इज आप कितने ईगर हैं उनको ढूंढने में. रिसोर्सफुलनेस आपने क्रिएट करनी है. देखें, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, मगर सुबह सब टाई लगा के बैंक जाते हैं ना चुंदरीगढ़ रोड, घर पे क्यों नहीं बैठते? थोड़ा सा आपने भी चलना है, ठीक है? रिस्क का वादा है और मौत बरहक है. अगर मौत बरहक है तो लोग पटरी पे नहीं लेट जाते कि भाई जब मौत होगी वो फिर आ जाएगी. दुनियावी तकाजे आपने पूरे करने, आपने अपनी एफर्ट पूरी करनी है, अल्लाह पे भी छोड़ना है, अल्लाह से दुआ जरूर करनी है. हम लोग अल्लाह पे छोड़ देते हैं. हमारी कोई सक्सेस होती है, भाई का गेम चेक कर, भाई ने कैसा ये गेम लगाई, लेकिन जहां नाकामी होती यार बस अल्लाह की मर्जी थी. वाह. तो ये जो है ना, इससे जरा थोड़ा बाहर आए और अपने आप को कोसने से. देखें, मैं भी कोई बहुत बड़े घराने से मेरा ताल्लुक नहीं था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास मेरा नेबरहुड था, ठीक है? कहने को मैं भी बड़ी शिकायतें कर सकता था, मगर शिकायतें करने से कुछ होता नहीं है. आप अपने आप को कितना कोस लोगे उसे कुछ फायदा नहीं होता. आपने एक्ट करना है और आज करना है, कल कभी भी नहीं आता, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, अपने माजी में रह के अपना हाल बर्बाद करके अपना मुस्तकबिल खराब करते हैं. हमेशा मुस्तकबिल आगे देखो. अल्लाह ने आंखें आगे इसलिए दी सो यू कैन लुक फॉरवर्ड. तो रिसोर्सफुलनेस, जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसी में से कुछ निकालें, उसमें होगा. चाइनीज लैंग्वेज जो है, जो मैंडरिन है, कैंटोनीज और मैंडरिन, उसमें वर्ड्स ही एक्सप्रेशन होते हैं. तो जो एक्सप्रेशन प्रॉब्लम का है, सोल्यूशन अपॉर्चुनिटी का भी वही है. हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी है. अब अगर प्लास्टिक पे बैन लग रहा है तो कपड़े के टोट बैग पे अपॉर्चुनिटी है, उस पर पैसा लगा लो, क्योंकि गवर्नमेंट अब प्रॉब्लम कर रही है इस्लामाबाद में, आप टोट बैग का काम शुरू कर लो. हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी होती है, ढूंढना आपका काम है. इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी ब्रो, बस. मेरी माइक ही ऑफ कर दी इन्होंने. थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंटरेक्टिव सेशन. इन सब के लिए हमारे वेलवेल गेट्स के लिए तालियां होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा मज़ेदार सेशन रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव क्वेश्चंस रहे हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. हमारी तरफ से कुछ सोविनियर्स आपको दिए जाएंगे, एंड देयर आर सम फैन्स आउट देयर हु वांट टू गिव देम टू यू. तो मैं सबसे पहले दावत देना चाहूँगी मैं शाहिरा जलील अलबासित को, जो गन वायलेंस प्रिवेंशन एक्टिविस्ट हैं, उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी कि वो आके मुबीन और हक साहब को अपने हाथों से एक सोविनियर पेश करें. मैं शाहिरा जलील अलबासित के लिए भरपूरदार तालियाँ होनी चाहिए. थैंक यू सो मच. अभी हम दावत देंगे सर हासिल मुराद साहब को, जो लेक्चरर रह चुके हैं, लेक्चरर हैं बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के, कि वो आए स्टेज पे और सर मुदस्सिर हुसैन को अपने हाथों से सुविनिया पेश करें. एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज अ फैन गर्ल, मिस सिद्रा अल्ताफ, जो कि व्लॉगिंग करती हैं, एंड शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, एंड शी इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ मोरू. सो आई वांट हर ऑन स्टेज सो शी कैन प्रेजेंट द सोवेनियर टू मिस्टर मोरू. सिद्रा. यस सर. And now I would like to call on stage Sir Shabir Hussain, who is a writer, hai, activist and educationalist, that he will come to the stage and Mr. Shahzad Yaqub ko apne haathon se souvenir pesh kare. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर जलील इब्राहिम साहब को मैं दावत दूंगी कि वो स्टेज पे आएँ. सर जलील सीनियर एक्टिविस्ट रह चुके हैं और वो बहुत भरपूर खदमात अंजाम देते हैं लियारी में और ओवरऑल कराची में. सर आप स्टेज पे आएँ और मिस्टर जुनैद अकरम को अपने हाथों से सुविनिया पेश करें.
थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड फॉर योर टाइम. थैंक यू.